तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A06 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में ना नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे सिलेक्ट करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि इंटरनेट को चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर एक कनेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड मोबाइल नेटवर्क, इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम, इसे सिलेक्ट करना है। अब देखिए, इस पेज में सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये पेज आता है, इसमें आपको रीसेट डिफॉल्ट पे सिलेक्ट करना है। तो आपको नीचे पेज आएगा ना, इसमें आपको रीसेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है एपीएन सेटिंग रीसेट। तो इस तरीके से आप अपने फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट एक बार कर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से आपके मोबाइल फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।